हाय डियर यूट्यूब फैमिली, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1.2 इंग्लिश स्टैंडर्ड 6 का, जिसका नाम है हुज़ द ग्रेटेस्ट। हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस। तो आपको मीनिंग एंड फ्रेजेस गेस करना है। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, अनटोल्ड वेल्थ, वेल्थ इज टू ग्रेट टू बी मेजर्ड, ये आप यहाँ से कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, से विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। आपको रीज़न बताना कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको यहाँ से पॉज करके कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ सेंटेंस ईच अबाउट 3 ऑफ योर फ्रेंड, ईच टाइम यू शुड से दे व्हाट योर फ्रेंड कैन नॉट डू एंड येट पे अ कॉम्प्लीमेंट टू योर फ्रेंड। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिखना है कि कौन से काम आपके फ्रेंड करता है, कौन नहीं करता, उसके बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट आप उसको देते हो। ठीक है, मेनी स्टूडेंट डू इट, माई फ्रेंड राहुल जस्ट कैन नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम, है ना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट चीटिंग करते हैं, बट इसका फ्रेंड राहुल चीटिंग नहीं करता है। हाउ एवर अपसेट His is, तन्मय cannot be rude to anybody, तन्मय किसी के साथ रूड नहीं होता भले से वो कितना भी उदास हो। रीमा just cannot tolerate cruelty toward animal, और जो रीमा है वो एनिमल के साथ बदसलूकी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे कोई भी अगर एनिमल को परेशान कर रहा है वो फौरन उसको वहाँ से हटा देती है, मना करती है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर, एम्परर अकबर के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिखा है और कम से कम 3 बार चेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको आंसर रॉन्ग होने का तो यहाँ से टेंशन ही नहीं है, जो भी आंसर मिलेगा बिल्कुल वेल एंड करेक्ट मिलेगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर्म अ पेयर एंड मेक अ पेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द 2 स्टोरीज, टू डू सो ईच पर्सन प्रेजेंट ओनली 1 सेंटेंस एट अ टाइम एंड नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली प्रेजेंटेड बाई द पार्टनर, दैट ईच पर्सन इन द पेयर प्रेजेंट अल्टरनेट सेंटेंस विदाउट ब्रेकिंग द फॉलो ऑफ नरेशन। आपको डायलॉग राइटिंग जैसा लिखने के लिए बोला गया, डायलॉग राइटिंग जैसा। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट, तो पहले फर्स्ट स्टूडेंट को लिया गया, द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। ठीक है, देन पार्टनर उसका बोल रहा है, एज सून एज ही सीटेड ही सेड दैट ही हैड अ क्वेश्चन फॉर हिज कोर्टियर्स। फिर फर्स्ट स्टूडेंट बोलता है, ही आस्क व्हाट द पनिश शुड बी फॉर समवन हु पुल हिज मुस्टैच। मतलब ये लोग अपने में डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंटर अकबर होता है, एक्सप्रेशन उसका फेस देखते हैं, फिर उसका पार्टनर बोलता है ना कि क्वेश्चन करेंगे, मतलब है ना। फिर जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो बोलता है कि किसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए अगर कोई मुस्टैच खींचता है। फिर पार्टनर बोलता है, वन नोबल मैन सेड दैट द पर्सन मस्ट बी फ्लॉग्ड एंड गिवन 50 लैशेस ऑफ द व्हिप। वो बोलता है कि उसको मारना चाहिए, उसको कोड़े मारना चाहिए। ठीक है, द पेयर कैन कंप्लीट स्टोरी इन दिस वे विथ ईच पर्सन इन देयर पेयर से ओनली 1 सेंटेंस एट अ टाइम। इसी तरीके से पूरी स्टोरी आपको कंप्लीट करना है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ पेयर ऑफ, एक मिनट, ये जो आपको नेक्स्ट पेयर इसका बनाना है, ठीक है, सेम जैसा पहले वाले में बनाया था उसका भी। इसमें फर्स्ट स्टूडेंट बोलता है, द एम्परर एंटर्ड द कोर्टयार्ड वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एज सून एज ही सीटेड एंड अ क्वेश्चन कोर्टयार्ड, फर्स्ट स्टूडेंट आज सेम उसके जैसा ही है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 5 को रिपीट कर दिया। ठीक है, फिर बोलते हैं, अगर आप चाहते हो मैं सारे एक्सप्लेनेशन को ऐसे 1 by 1 एक्सप्लेन करूं, है ना, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, यस सर आप सारे आंसर को एक्सप्लेन करो। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि अगर क्वेश्चन आंसर कभी मान लो आपको चैप्टर देखने का टाइम नहीं है, चैप्टर बड़े होते हैं, चैप्टर मतलब ज़्यादा टाइम लगता है चैप्टर को आपको वीडियोस देखने में, तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर के वीडियोस देख लोगे तो आपको उससे क्वेश्चन आंसर अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, जब समझा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ 10 मिनट भी अगर देख लोगे, मतलब 5 मिनट का भी वीडियो देख लोगे, तो आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छे से जाके उसको लिख सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।